हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर को। हमने यहाँ पे छोड़ा था फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, एन प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 × n-1 फैक्टोरियल। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाए। तो देखिए सोल्व करते हैं। n-1 फैक्टोरियल जो RHS में है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, नीचे n-1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो देखिए n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए करना क्या होता है, आपको किसी भी क्वेश्चन को, फैक्टोरियल के क्वेश्चन को, जैसे आप किसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं या फैक्टोरियल सोल्व करके किसी की वैल्यू निकालनी है आपको, जैसे ऊपर एक्स की वैल्यू निकालनी, तो आपको करना क्या है, फैक्टोरियल को खत्म करने की सोचनी है। सबसे ज्यादा मेन बात आपको फैक्टोरियल को खत्म करना है। फैक्टोरियल खत्म कैसे होगा, जब उसकी मल्टीप्लाई 1 तक चली जाए, ऑब्वियसली उसको खोल देंगे आप तो वो फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको करना क्या है, जैसे ऊपर देखिए, अब आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एन हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो देखिए n+1 बड़ा है या n-1, ऑब्वियसली n+1 बड़ा है। तो जो फैक्टोरियल होता है वो छोटा होते होते लास्ट में 1 तक ओपन हो जाता है। जैसे देखो 5 है, तो 5 को क्या लिखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 7 है, तो 7 × 6 × 5 ऐसे ही लिखते हैं ना। तो n+1 है, इसमें से एक कम किया तो क्या आएगा, n आएगा। उसमें से एक कम किया तो क्या आएगा, n-1 आएगा। n-1 में से एक कम किया तो क्या आएगा, n-2 आएगा। ऐसे करते करते आप 1 तक पहुंच जाओगे। नीचे सेम n-1 को खोलोगे आप, ऐसे करते करते आप 1 तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपको हमेशा जब बड़े और छोटे मिले तो हमेशा बड़े का फैक्टोरियल ओपन करना है, और आपको रास्ते में कहीं ना कहीं छोटे वाला फैक्टोरियल भी मिल जाएगा। देखिए n+1 फैक्टोरियल को जब आप खोलोगे तो पहले n+1 इंटू में इससे एक कम, दैट इज n, फिर इंटू में उससे एक कम, n से एक कम, n-1 का फैक्टोरियल। आप वहीं पे फैक्टोरियल को क्लोज कर दीजिए, आगे मत लीजिए। देखिए n+1 n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, बिकॉज ये n-1 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और ये नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। आप इसको आगे खोल लेंगे तो भी वही सेम नीचे वाले को खोलना पड़ेगा, फिर n-1, फिर वो सारे टर्म्स कट जाएंगे। इससे अच्छा आप इसको वहां तक खोलिए, बड़े वाले टर्म को वहां तक खोलिए जहां पे छोटे वाले टर्म का फैक्टोरियल लगा हुआ है। इसे देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ नंबर्स में। देखिए जैसे आपको मिलता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, तो आप 9 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे, 6 तक खोलेंगे। 9 × 8 × 7 × 6, बड़े वाले को आपको वहां तक खोलना है जहां पे छोटे वाला हो। तो 9 को 6 तक लेके जाइए और 6 पे फैक्टोरियल को बंद कर दीजिए। आप 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आप इनको आगे तक भी खोल लेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ऊपर वाला 6 फैक्टोरियल कहाँ तक खुल जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये 6 फैक्टोरियल भी कहाँ तक खुल जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वो सारी मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स ऊपर नीचे फिर से कट होंगी। इससे अच्छा आप टाइम बचाइए, 9 फैक्टोरियल को कहां तक खोलिए, 6 फैक्टोरियल तक, जहां तक आपका नीचे वाला है, फिर उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो सेम हमने यहाँ पर किया, n+1 को कहां तक खोला, n-1 तक, n+1 उसे एक कम, n एक माइनस किया था, एक से कैंसिल, फिर इसमें से एक, फिर माइनस कर दीजिए n-1 का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। बच गया कौन, n × n-1 इक्वल टू 12। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, n² प्लस में n-1 इस साइड 12 को इस साइड लेके आओ, -12 = 0। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, ऑब्वियसली 2। आपको पता ही होगा किसी इक्वेशन के रूट्स कैसे पता करते हो आप, पॉलीनोमियल इक्वेशन के जितनी उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 2। तो रूट्स निकालने आपको आते होंगे। एन को स्प्लिट कीजिए इस टाइप से, सम तो आपका एन आ जाए और मल्टीप्लाई आपकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो कर दीजिए 4n-3n, तो n इनमें से कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में से, n × n+4, -3 कॉमन लिया तो n+4, फिर n+4 कॉमन लीजिए तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, आइदर n-3 इक्वल टू 0 और n+4 इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर्स की प्रोडक्ट तभी 0 आ सकती है नंबर थ्योरी में जब आपके पास उनमें से एक नंबर 0 हो। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, एक तो 3 और एक n = -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की कैलकुलेशन है, आई होप आप कर सकते हैं, ये आप छोटे क्लासेस में सीख के आ चुके होते हैं 8, 9, 10 क्लासेस में। तो देखिए n की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और -4,
लेकिन -4 जो है वो नॉट पॉसिबल, मतलब आप -4 नहीं ले सकते एन की जगह, बिकॉज देखिए एन की जगह आप -4 पुट करके देखिए ऊपर, -4 जैसे ही पुट करेंगे ये नेगेटिव नंबर का इन फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है, तो आप -4 एन की वैल्यू नहीं हो सकती, पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। दिस इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास एन की वैल्यू 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 का फैक्टोरियल है, 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 रेज टू पावर 15। हमें ये प्रूव करना है कि 33 का फैक्टोरियल डिवाइड, हमें क्या प्रूव करना है कि 33 का जो फैक्टोरियल आएगा वो 2 रेज टू पावर 15 से डिवाइड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कभी भी ये शो करना है कि वो उससे डिवाइड होगा, तो आप उसको 33 फैक्टोरियल को डिवाइड डिविजिबल दिखाना है 2 रेज टू पावर 15 से, तो आप इसको ऐसे शो कर दीजिए कि 33 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 15 इनटू सम मल्टीपल कोई भी। उससे ये क्या प्रूव हो जाएगा कि आपने 33 के फैक्टोरियल को क्या लिख दिया कि 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई में समथिंग, मतलब 33 के फैक्टोरियल के मल्टीपल्स में, फैक्टर्स में 2 रेज टू पावर 15 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 रेज टू पावर 15 उसको डिवाइड करेगा। जैसे आप 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुना 2, 10 के फैक्टर्स में 5 और 2 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 10 5 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, मतलब आपने 10 को ऐसे लिख दिया 5 गुना 2। तो यहाँ पे आप 33 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दीजिए 2 रेज टू पावर 15 इनटू में समथिंग अदर इंटीजर या फिर कोई और मल्टीपल कुछ भी आए, आप क्या शो हो जाएगा वहां से कि 2 रेज टू पावर 15 से 33 फैक्टोरियल डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देखिए 33 फैक्टोरियल को आप लिख क्या सकते हैं, ऑब्वियसली 33 से लेके 1 तक के कंटीन्यूअस नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने लिख दिया 33 गुना 32 गुना 31 अप टू 3 टू 1। उसके बाद इसमें से इवन नंबर्स को सेपरेट कर लीजिए और ओड नंबर्स को सेपरेट कर लीजिए, तो इवन क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 अप टू 30, लास्ट इवन नंबर 30 आएगा, सॉरी 32 भी आएगा, हमने यहाँ पे मिस कर दिया 32 को, सॉरी। देखिए 2 से लेके 30 तक के इवन इंटीजर्स को अलग कर लीजिए, 2 से लेके 30 तक इवन और बाकी सभी को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 32 मिसिंग है क्योंकि 32 भी इवन है लेकिन हमने उसको लेना नहीं, क्यों नहीं लेना है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। तो 1 3 5 7 अप टू 29 30 यहाँ पे आ गया 31 इंटू 32 इंटू 33। उसके बाद देखिए ये सारे जो इवन इंटीजर्स हैं 2 से लेके 30 तक, ये कितने इवन इंटीजर्स हैं, 15 इवन इंटीजर्स हैं, और इवन में से 2 तो सभी में से कॉमन आ ही सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि इवन नंबर कोई भी इवन नंबर होगा 2 उसका एक मल्टीपल तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो सभी में से 2 कॉमन आएगा, 2 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा, और टोटल कितने फैक्टर्स हैं 15, तो 2 की पावर 15 सभी में से कॉमन आ जाएगी, तो 2 की पावर 15 बाहर ले ली हमने, तो ये क्या बच गया 1 यहाँ पे 2 3 अप टू 15, तो 1 2 3 अप टू 15 और इंटू में 1 3 5 7 अप टू 32 33, ये सारे नंबर्स इनकी मल्टीप्लाई जो कुछ भी है हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारे पास क्या आ गया 33 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 की पावर 15 इंटू समथिंग, कोई भी इंटीजर कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई आए ये हमें नहीं पता कुछ भी आए, लेकिन हमने क्या शो कर दिया कि 33 का जो फैक्टोरियल है वो इक्वल आ गया किसके 2 की पावर 15 इंटू सम इंटीजर, मल्टीपल में आ गया ना ये। अब इससे क्या शो हो रहा है कि 2 की पावर 15 से 33 का फैक्टोरियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए शो दैट n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर फ्रॉम 2 टू n, कि जो n फैक्टोरियल प्लस 1 है ये 2 से लेके n तक के किसी भी नंबर्स को आप उठाओगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए प्रूफ करते हैं इसका, हमने कोई भी p नंबर ले लिया जो 2 से लेके n तक बिलोंग करता है, कुछ भी हो सकता है वो 2 आइदर 3 अप टू n तक कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली हमने 2 से लेके n तक चूज किया है तो वो n फैक्टोरियल जो है उसका एक फैक्टर ही मिलेगा ना। देखिए एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन से लेके वन तक के मल्टी सभी नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो वो बीच में कहीं ना कहीं वो पी पे आएगा क्योंकि पी 2 से लेके n तक लाई कर रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं वो पी भी होगा ना, तो वो पी एन फैक्टोरियल का फैक्टर होगा। अगर वो फैक्टर होगा एन फैक्टोरियल का तो वो पी जो है वो डिवाइड करेगा एन फैक्टोरियल को, ये क्लियर हुई कि पी जो है वो एन फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। उसके बाद देखिए हम मान के चल पड़ते हैं कि जो पी है वो एन फैक्टोरियल प्लस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, एक बार के लिए मान लिया हमने कि जो n फैक्टोरियल प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है p, तो
एन फैक्टोरियल प्लस वन को भी डिवाइड कर रहा है पी, और एन फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। जैसे कि दो चार को भी डिवाइड करता है और आठ को भी, तो उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए एन फैक्टोरियल प्लस वन को भी डिवाइड कर रहा है पी और एन फैक्टोरियल को भी, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस कर दीजिए इनको, वन आएगा, दैट इज वन। लेकिन पी वन को डिवाइड नहीं करेगा, दिस इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, वन को छोड़ के वो वन को डिवाइड करेगा नहीं ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हमारी जो सपोजिशन थी, सपोज किया था हमने कि पी इसको डिवाइड करेगा एन फैक्टोरियल प्लस वन को, ये सपोजिशन हमारी रॉन्ग होगी, सपोजिशन रॉन्ग होगी। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो पी है वो इस एन फैक्टोरियल प्लस वन को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब टू से लेके एन तक का हमने एक आर्बिट्रेरी नंबर उठाया था पी, तो ये सभी के लिए रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा कि टू से लेके एन तक कोई भी आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो एन फैक्टोरियल प्लस वन को डिवाइड कर दे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारा, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है, दोनों साइड इक्वल दिखानी है। तो हम एलएचएस उठा के चल पड़ते हैं, एलएचएस उठाते हैं, देखिए एन माइनस आर प्लस वन इसका तो कुछ ओपन हो नहीं सकता, ऑब्वियसली जो फैक्टोरियल टर्म है वही ओपन होगी। तो देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, हमने एन माइनस आर प्लस वन का जो फैक्टोरियल है उसको ओपन कर दिया। देखिए एन माइनस आर प्लस वन इंटू में इससे एक कम बनेगा, एक माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे कौन बचेगा एन माइनस आर, उसके साथ क्या लगा दिया फैक्टोरियल, तो हमारे पास ये क्या ओपन हो गया एन फैक्टोरियल। ऐसे कैसे, नीचे वाले का फैक्टोरियल खोल दिया हमने एन माइनस आर प्लस वन इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, उसके बाद देखिए एन माइनस आर प्लस वन से एन माइनस आर प्लस वन कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारे पास आरएचएस में सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इनमें से आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है क्वेश्चंस में से तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर्स आपको नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। थैंक यू, एंड इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक आप या तो लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, या फिर मैं आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।